बहुत बढ़िया। ये अपनी क्लास मेंस 2019, ठीक है। इस क्लास में अपन लोग क्या पढ़ेंगे? सिलेबस डिकोडिंग। सिलेबस डिकोडिंग का मतलब क्या हो गया? महीने डेढ़ महीने के अंदर क्या है कि पूरे सिलेबस को मेरे साथ रिवाइज कर लेना। पेपर वन से क्रमबद्धता से शुरू करेंगे ताकि उससे क्या कि चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से ठीक हो जाए। अगर पेपर वन की बात करें अपन, तो जो अपना ओल्ड पैटर्न है पेपर वन, इसके दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो है मेनली हिस्ट्री प्लस एमपी हिस्ट्री दिया हुआ है, प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री दिया हुआ है, ठीक है। अगर पार्ट बी की अपन बात करें तो इसमें ज्योग्राफी है, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंट से रिलेटेड दो तीन कुछ टॉपिक थोड़े से हैं, बाकी तो वो साइंस में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन वन जो हमारा आता है, सेक्शन वन में आता है हिस्ट्री, एमपी हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो अपन इसी क्रम से इसको बाइंड अप करते हुए चलेंगे। जैसे हिस्ट्री का टॉपिक उठाया, हिस्ट्री को बाइंड अप किया, एमपी हिस्ट्री उठाया, एमपी हिस्ट्री को उठाया, वर्ल्ड हिस्ट्री उठाई, वर्ल्ड हिस्ट्री ख़त्म कर दी, क्लियर। अब अगर हिस्ट्री में अपन पहले टॉपिक की बात करें, तो पहला टॉपिक जो हिस्ट्री में है वो शुरू कहाँ से होता है अपना, क्योंकि आज तक कभी भी पाषाण काल से रिलेटेड चीज़ें हमारे एग्जाम में नहीं पूछी गई, कभी भी नहीं आया। सीधा जो हमारा क्वेश्चन आता है वो सभ्यताओं से संबंधित आता है, ठीक है। अब सभ्यताएं जो हैं, इसका जब आंसर अपन लिखते हैं तो उसके लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, आधारभूत जानकारी। अब ये आधारभूत जानकारी क्या होती है? जब आपको अपने टॉपिक के आसपास और कोरिलेटेड चीज़ें सारी ध्यान हो, ठीक है, संबंधित तथ्य सारे ध्यान हो, तो आप सारे आंसर को बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। कोई बात नहीं बेटा, ये डिजिटल में वीडियो में रहेगा। हीरो साहब, फिरोजी नाम है ना आपका, आप जनाब चिंता मत कीजिए, ये रिकॉर्डेड रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा, नहीं रहा तो मैं आपको ऐप पे भी अगर रहेगा पेड में तो मैं एक्सेस करवा दूंगा, है ना। टॉपिक मतलब संबंधित। अब यहाँ पे रणनीति जो है वो देखिए, आप 2019 है इसलिए अपन इसको क्या लिख रहे हैं, 20 शब्द, 100 वर्ड्स और 300 वर्ड्स। 2021 वाले भी हैं तो वो इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं, 50-50, 100 में, 200 में कोई दिक्कत नहीं है। 20 वर्ड्स का मतलब सीधा सीधा मतलब क्या होता है, जो पूछा गया है उसी पे वार करना। सीधा सीधा अब यहाँ पे अपन सीधा इसको एग्जांपल से पढ़ते हैं कि 20 वर्ड्स के आंसर्स अपन कैसे लिखते हैं। जैसे इंडस वैली क्वेश्चन है, तो इंडस वैली से क्या क्वेश्चन हो सकते हैं विनय से, एक आधा क्वेश्चन 20 वर्ड्स का। जैसे लोथल बोल दिया इन्होंने, आ सकता है डेफिनेटली लोथल, एक क्वेश्चन 20 वर्ड्स में आ गया। तो इसको लिखने का एक बढ़िया तरीका होता है भाई, ये किस वाले भाग में है, काठियावाड़ और सौराष्ट्र वाले बॉर्डर पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि लोथल जो है उसकी स्थिति को सबसे पहले अपन ने क्यों लिया, क्योंकि अपन इसकी स्थिति को क्या करेंगे, वाया मैप दर्शाएंगे। थ्री मार्कर में भी मैप बनाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप तीन नंबर में भी मैप बना सकते हैं और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं भोगवा नदी, गुजरात, और यहाँ से एरो बना के आप दिखा सकते हैं कि ये स्थान के बारे में बता रहे हैं, क्लियर। अब आपको यहाँ पे लाइन लिखनी है। बच्चा कभी कभी गलती क्या कर देता, प्रैक्टिस इस तरह की होती, वो जब इंडस वैली पढ़ रहा है तो उसको ये ध्यान में नहीं रहता था कि ये लिखना क्या है। लेकिन यहाँ से सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कि महत्वपूर्ण सिंधवकालीन बंदरगाह नगर, समझ गया बात को। तो पहला बिंदु यही हो जाएगा कि भाई महत्वपूर्ण IBC साइट है, ठीक है, बंदरगाह नगर था, ये बात क्लियर। फिर भारत में खोजा गया प्रथम सिंधव स्थल है ये, कि भाई भारत में खोजा गया जो पहला सिंधव स्थल है, क्योंकि जब पार्टीशन हो गया था तो सारे सिंधव स्थल कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान में चले गए थे, तो हेरिटेज को लेकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहा था, ठीक है। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये दुनिया के लिए उस समय भी बहुत आश्चर्य का विषय थी, आज भी है। तो फिर भारत में नेहरू जी ने कार्यक्रम चलाया भारतीय पुरातत्व शिक्षण विभाग के निर्देशन में कि भारत में भी खोजो, अगर वहाँ थी तो यहाँ भी मिलेगी, और वहाँ पे लोथल फाइंड हुआ, ये हो गया। इसके अलावा आप एक दो चीज़ें प्रमाण में इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ से मुख्यतः एक गोदीबाड़ा मिला है, फारस की मुद्रा मिली, वोटेवर गट्टी के पार्ट मिले हैं, युगल शवादान मिले हैं, कंगी मिली है, ठीक है, हाथी दांत का पैमाना मिला है, चावल की भूसी मिली है, भूकंप के प्रमाण मिले हैं, अग्निवेदिका के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, फारस की मुद्रा मिली है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आपको एक दो चीज़ें याद आ जाए वो इंपॉर्टेंस आप लिख के इसमें ख़त्म कर सकते हो। तो 20 वर्ड्स मतलब क्या हो गया, परफेक्ट मिशन। लेकिन यहाँ पे जो मुझे स्कोर दिलाएगा वो 20 वर्ड्स में दो चीज़ें हैं, ये चीज़ 2019 के और 2021 के सिलेबस में दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। कैसे? कि आप ये मानिए कि जैसे 2000
19 में आपकी कॉपी चेक हो रही है। अब एक कॉपी चेक करने वाला जिसका एक माइंड सेट है, हुआ क्या, आपने एक आंसर लिखा बहुत अच्छा लिखा, दूसरा डल लिखा, तीसरा सामान्य लिखा, चौथा अच्छा लिखा, डल लिखा, सामान्य लिखा। लेकिन जो आपने जिसे डल लिखा, सामान्य लिखा, अच्छा लिखा, अगर डल में आपको दो नंबर आए तो सामान्य वाले में भी दो आएंगे, जो अच्छा लिखा उसमें डेढ़ या एक तक भी आ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर का फ्लो आपने बिगाड़ दिया। एग्जामिनर को लग गया कि ये चीज़ें चिपका रहा है, इस कारण से एग्जामिनर वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को क्या कर देता है, अंडर एस्टिमेट कर देता है। क्या कर देता है, अंडर एस्टिमेट कर देता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि 20 वर्ड्स में अगर आपको लगता है कि इस बारे में कुछ भी ध्यान नहीं है तो फेंकने की बजाय वहाँ पे आपको रुक जाना है। जैसे 2013 मेंस में एक क्वेश्चन आया था कल्पतरु योजना, तो 99% लोगों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। कल्पतरु का मतलब वृक्ष होगा, वृक्षों के संवर्धन के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ से एग्जामिनर ने इन कॉपी पे बैड इम्पैक्ट डाला कहीं ना कहीं। जब 2013 मेंस में यह आया तो एक जनरल क्वेश्चन हो गया कि भाई यहाँ कंप्यूटर शिक्षा जो है उससे संबंधित शासन की कोई एक योजना है, समझे आप। तो कभी कभी क्या होता है, शब्द भी आपको धोखा दे देते, इसलिए 20 वर्ड्स में निरर्थक बात नहीं। लेकिन कुछ 20 वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई अरबी में कोई नाम लिख के किताब पूछी गई आपसे, तो सीधी सी बात है ये मध्यकालीन भारत की रचना है, नहीं समझे आप। तो मध्यकालीन इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत भाषा अरबी, नहीं समझे आप। और अब आपको उसका हल्का पुल्का कुछ आइडिया है तो डेटा, लेकिन ये दो डेटा लिख के भी एक नंबर लाया जा सकता है। तो कहीं कहीं आप वो चीज़ें कर सकते हैं, कहीं कहीं वो चीज़ें नहीं कर सकते। लेकिन 20 वर्ड्स का इंप्रेशन अगर आपका बिगड़ा तो लास्ट तक सारे इंप्रेशन बिगड़ेंगे। अब जब अपन ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन भी पढ़ते हैं तो बहुत सारे शिक्षकों को क्या रहता है कि चूँकि मूलभूत, जब आप मेंस देने जाते हैं आपकी कॉपी में नंबर आते हैं, आप उनको देखते हैं तब आप जस्टिफाइड कर पाते कि सच में होता क्या है मेंस में। जैसे आपने दो मेंस लिख दिए, तीन मेंस लिख दिए, लेकिन अगर आपने अपनी मेंस की कॉपी नहीं देखी हुई है, टेस्ट सीरीज में जो कॉपी चेक कर रहा है उसका माइंड सेट अलग है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। मेंस में जो नंबर दे रहा है उसका माइंड सेट अलग है। तो नंबर आपको जिसके को एग्ज़ाम में माइंड सेट रहेगा उसके हिसाब से आपको काम करना है, समझे आप। तो जब आप उस स्कोर को देखते तो आपको समझ में आता है कि इस शैली में लिखने में ये स्कोर मिलता है, इस शैली में लिखने में ये स्कोर मिलता है। तो जब आप 5 से 7, 8, 10, 12, 15 मेंस मेरी तरह देते हैं तो आपको ये समझ में आने लगता है कि रियल में एग्जामिनर की डिमांड क्या होती है। ऐसे नहीं कोई भी 3 पॉइंट लिख दो, ये याद नहीं आए तो वो लिख दो, वो याद आया तो नहीं लिख दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मेंस पूरा गणित के प्रकार का होता है। मेंस किस प्रकार का होता है, गणित के प्रकार का, मैथ्स की तरह कि 2+2 मतलब 2+2 ही आएगा। तो हर आंसर एक पर्टिकुलर वैल्यू रखता है, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे ही आपको लिखना है। उससे थोड़ा 19-20 हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, समझ गए आप बात को। तो यहाँ पे अपनी बात हुई 20 वर्ड्स में। तो जैसे लोथल है तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये इंडस वैली साइट से रिलेटेड है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भारत में खोजी गई पहली साइट है। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि ये गोदीबाड़ा के लिए आप किसी ने लिख दिया, फारस की मुद्रा याद आ गई आपने वो लिख दिया, तो मेरे जैसा एग्जामिनर होगा तो वहाँ पे भी नंबर तो काटेगा। लेकिन तीन बातें स्पष्ट रूप से लिख दी कि ये बंदरगाह नगर था, गोदीबाड़ा मिला है, ठीक है, बस कंप्लीट हो गया आंसर, समझ गए बेटा। ये 20 वर्ड्स का पैटर्न हो गया। अब इंडस वैली में अगर अपन आए 5 मार्कर 6 मार्कर 11 मार्कर 15 मार्कर पे अपन आते हैं, तो इंडस वैली के अंदर जो मेन चीज़ें हैं उसको अपन देख लेते हैं। अब यहाँ पे इंडस वैली चीज़ें आज समझने से पहले अपने को कुछ कॉमन फैक्टर्स समझने होंगे। कॉमन फैक्टर क्या होता है, हिस्ट्री में कॉमन फैक्टर काम करते हैं। जैसे सचिन किशन पूछा गया कि सिंधु सभ्यता की सामाजिक विशेषताएं लिखिए, क्लियर। अब सिंधु सभ्यता की सामाजिक व्यवस्थाएँ आपसे पूछी जा रही है, गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था पूछ ली, वैदिककालीन सामाजिक व्यवस्था आपसे पूछ ली, उत्तर वैदिक सामाजिक व्यवस्था, गुप्तकालीन, मौर्यकालीन, मुगलकालीन सामाजिक व्यवस्थाएं, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर वही रहेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे पूछता है कि कारण लिखिए, तो 2019 तक ये पैटर्न बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था बच्चों में, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण और ख़त्म। लेकिन सच में कभी कभी एक फिक्स पैटर्न को अपनाने से पहले भी आपको विचार करना होता है कि कहाँ पे क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। जैसे क्वेश्चन आ गया पानीपत युद्ध प्रथम के प्रमुख कारण लिखिए, 11 नंबर में क्वेश्चन आ गया, तो वहाँ पे आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विभाजन जो करना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो इंस्टेंट वैल्यू में हुआ युद्ध है, समझे आप। उसमें जो कारण रहेंगे वो ऐसे आएंगे, बाबर की महत्वाकांक्षाएँ, ठीक है, इब्राहिम लोदी की दुश्मनियाँ, ठीक है, राणा सांगा का इनविटेशन, दौलत खां लोदी का इनविटेशन, ठीक है, बाबर का जो है चंगेज खां और तैमूर लंग के वंश से होना,
ठीक है। उसके साथ ही जो बाबर है उसको जो लड़ाके हैं उनका बेहतरीन तरीके से साथ मिल जाना, फिर क्षेत्रीय दुर्गों को जीत लेना, तो ये पानीपत के युद्ध के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विभाजन नहीं कर सकते, आप समझ रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, लेकिन एक नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो सिंध सभ्यता की जैसे आपसे पूछा गया है कि आप इसके सामाजिक व्यवस्था के बारे में लिखिए, सोशल स्टेटस लिखिए, तो परिवार जो बनता है वो सबसे पहले किस पे बनता है कि भाई समाज जो बनता है वो परिवार से बनता है, परिवार व्यक्तियों से मिलकर बनता है, इसका मतलब एक मूलभूत ढांचा। तो सबसे पहले अपन यही बात करेंगे, मूलभूत ढांचा, मूलभूत सामाजिक ढांचा। नॉर्मली 99% बच्चे इस बिंदु को लिखते ही नहीं है, इस बिंदु को लिखते ही नहीं है। क्यों नहीं लिखते, आइडिया ही नहीं है। सबसे पहले उसका दिमाग ही चलेगा स्त्रियों की दशा, वर्ण व्यवस्था, नहीं समझे आप। तो यहाँ पे मूलभूत सामाजिक ढांचा लिखने से क्या होगा, आप बता पाएंगे कि उस समय सोसाइटी कैसी थी। तो इंडस वैली में जो मूलभूत सामाजिक ढांचा था वो कैसा था कि समाज वर्गवाद व्यवस्था पे था, पर आधारित था। संभवतः ये दो भागों में विभाजित था, उच्च वर्ग व निम्न वर्ग। प्रमाण नगर विभाजन से, समझ गया बात को बेटा, कि यहां पे आपको एकदम चीज क्लियर हो जाएगी। अब आप क्या अपना आंसर लिखते थे ये चीज इसमें शामिल करते नहीं करते, समझे आप। अब ये जैसे मान लो सामाजिक व्यवस्था का इंट्रो लिखना है, तो इंडस वैली है तो इसमें आपको इंट्रो लिखना है। इंट्रो का मतलब विषय में नॉर्मली प्रवेश करना, सब्जेक्ट में एंट्री करना। तो सब्जेक्ट में एंट्री करने के लिए जैसे आप किसी के यहाँ गए, जैसे मैं आया, मेरा नाम साधु योगराज, मैं GLC का मालिक और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो ये तरीका गलत है, समझे आप। जाते से बच्चा क्या करता है कि इंट्रो के अंदर ही अपना पावर लगा देता है, जो निष्कर्ष की भाषा है वो इंट्रो में लगा दी जाती, परिचय में लगा दी जाती है, ऐसा नहीं होना है। परिचय का मतलब विषय प्रवेश। तो साधारण शब्दों से जैसे आपने स्कूल की किताबें पढ़ी होंगी, तो स्कूल की किताबों में आपने पढ़ा होगा कि आओ बच्चों पिछली कक्षा में हमने ये जानकारी एकत्र करी, हमारा पर्यावरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अब इससे आगे हमें इसके बारे में नई चीज़ें जानना शुरू करते हैं। वहाँ पे कोई ऐसा लिखता है कि पर्यावरण, पर्यावरण मतलब जिंदगी, जिंदगी मतलब लाइफ, ऐसा कुछ होता है क्या। तो ये इंट्रो का महत्व है, समझ गया बात को। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया इंट्रो क्या होगा, अब आपको मैंने जैसे बताया था ना गणितीय फार्मूला, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी दो लाइन निकाल के लिख के लिख दो आप। यहाँ पे इंट्रो दो ही तरीके से फॉर्म्ड हो सकते हैं। पहला इंट्रो फॉर्म हो सकता है अगर आपको किसी इतिहासकार का कोई कोटेशन इसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में अगर ध्यान है, तो आप उस कोटेशन के लिख के इस आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो ध्यान नहीं है तो आप ऐसे लिखेंगे कि लिखित साक्ष्यों के अभाव में किंतु भौतिक साक्ष्यों के आधार पर अनुमानित रूप से विद्वानों के मत में सैंधवकालीन सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से थी। कितना जबरदस्त इंट्रो हुआ ये कि भाई हमारे पास वहाँ पे लिखित प्रमाण अपठनीय होने एवं भौतिक साक्ष्यों की उपलब्धता और विद्वानों के अनुमानित आधारों के आधार पर इसकी सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की थी। एक मैंने वही खुश की, कितना ट्रस्टेड एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाला व्यक्ति है यार, बात को मुद्दे से कह रहा है, समझ गए। अब आपने बताया मूलभूत सामाजिक ढांचा, अब अगर आप यही वैदिक एज में आओगे तो आप वैदिक समाज में क्या लिखोगे कि समाज मुख्यतः वर्णवाद व्यवस्था पर आधारित था, ठीक है। लेकिन ऋग्वैदिक समाज जो है वो क्या था, कर्म आधारित वर्णवाद पर आधारित था। उत्तर वैदिक में आओ तो आप क्या लिखोगे, जन्म आधारित, ठीक है। अगर आप मुगल काल में इस चीज को लिखोगे तो फिर सामाजिक ढांचा कैसा होगा, तात्कालिक भारतीय समाज धर्मवादित व्यवस्था पर समाज को निर्मित करता है, नहीं समझा बात को। ताकि दो स्पष्ट वर्ग नजर आते थे, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के फॉलोवर, ये दो मुख्य रूप से नजर आ गए। तो वहां पे क्या होगा, आपके आंसर का इंप्रेशन बदल जाएगा कि बच्चे की सोसाइटी को देखने का नजरिया कितना खतरनाक है, क्लियर। अब आगे जो मेन कॉमन ढांचा आएगा वो आएगा स्त्रियों की दशा। अब समाज के और फीचर्स क्या होते हैं, तो उनका खाना पीना, रहन सहन,
मनोरंजन, तो लगभग जहाँ तक मेरा अनुभव है कि जो मनोरंजन रहा है वो 1960 70 1950 तक सिंधर इंडस वैली से लेके शिकार आखेट रही है, ठीक है। सामाजिक उत्सव रहे हैं, आज भी है मनोरंजन सामाजिक उत्सव हमारे, तो ये दो मेन चीज़ें आप मेंशन कर ही सकते हैं और करनी भी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या हो गया, आभूषण वस्त्र, परंपराएं, अगर कुछ आपको ध्यान है विशेष कोई परंपराएं हैं अगर सोसाइटी में तो आप बता सकते हैं, इंडस वैली में तो कुछ बता नहीं सकते। तो ये मुख्य बिंदु है जिसपे आप क्या करेंगे अपने आंसर को जारी करेंगे। आया समझ में, ठीक है आगे बढ़े। दूसरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका आर्थिक स्वरूप स्पष्ट कीजिए, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ IVC, क्लियर कि भाई अर्थव्यवस्था के संदर्भ में टिप्पणी लिखिए। तो यहां पे भी आपके पास इंट्रो में दो ही चीजें हो सकती हैं, आपके पास इंट्रो में दो चीजें, या तो किसी इतिहासकार का ऐसा कोटेशन जो आपको ध्यान हो, ठीक है तो बहुत बढ़िया बात, अगर वो ध्यान नहीं है तो फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है। अच्छा ऐसा कभी किसी मेंस के पेपर में आपने देखा इंडस वैली का सामाजिक स्वरूप लिखिए, इंडस वैली का आर्थिक स्वरूप लिखिए, ऐसा हो सकता है? और इंडस वैली के अलावा कहीं पे भी अपने को लिखना पड़ेगा कि लिखित साक्ष्य के पठनीय होने के कारण नहीं लिखना पड़ेगा, जैसे अपना जो पेपर उस पेपर में एक क्वेश्चन आया सिंधव कालीन आर्थिक व्यवस्था पर टिप्पणी लिखी है, और आगे एक क्वेश्चन के लिख रखा है कि मौर्य कालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं को विस्तार से समझाइए, तो क्वेश्चन का टाइप तो सेम का सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रो में क्या रहेगा, जो अपन ने बात करी है भाई भाई भौतिक साक्ष्य उसके आधार पे विद्वानों के अनुमानों के आधार पे इसकी अर्थव्यवस्था इस प्रकार से थी। अब मौर्यकालीन जो राजनीतिक व्यवस्था पूछ ली गई है उसी पेपर में, तो फिर वहां पे क्या करेंगे अपन, अनेक लिखित साक्ष्यों व्यवस्थाओं एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर जिनमें मेगस्थनीज की इंडिका, चाणक्य का अर्थशास्त्र एवं सन जो सहायक जो भी और किताबें जो रही है या पुस्तकें रही है जो भी आपको दिमाग में आ जाए, जैसे मुद्रा राक्षस में उसकी कहानी का उल्लेख किया गया, हाँ तो जो भी आपको प्रमाण लग जाए उन एक दो प्रमाणों को वहाँ पे पुष्ट करते हुए आप क्या करोगे, या सबसे बढ़िया तो यही रहता है कि भाई जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो भी मौर्यकालीन राजव्यवस्था का आधार था, तो अपन लिख सकते हैं मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था जो है इस पूरे ढांचे का निर्माण कूटनीतिज्ञ महान राजनीतिज्ञ कौटिल्य के द्वारा रचा गया जिसका उल्लेख अर्थशास्त्र से मिलता है, और लगभग लगभग उसी आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को परिचालन किया गया, ठीक है। फिर आपने बता दिया केंद्रीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था और स्थानीय शासन की व्यवस्था। केंद्रीय व्यवस्था में आपने बता दिया कि भाई राजा सबसे ऊपर होता था और जो राष्ट्र है उसको राष्ट्र कहा जाता था, फिर उसके बाद प्रांत होते थे उनको भुक्ति कहा जाता था, फलाना ढिकाना सारी चीज़ें, समझ गए बेटा बात को। तो ये चीज़ें आपकी वहाँ पे आंसर हो गया कि आंसर लिखने का तरीका। तो अब आर्थिक स्वरूप आया है तो आर्थिक स्वरूप का इंट्रो क्या होगा, डिडेक्टेड इंट्रो IVC के, फिरोज IVC का अलावा इसमें अपन क्या लिखेंगे, लिखित साक्ष्यों के अपठनीय होने किंतु भौतिक साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों के मतानुसार यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है मुख्य रूप से व्यापार विपणन पर ज़्यादा निर्भर करती थी, फिर भी अर्थव्यवस्था के लगभग निम्न जो विशेषताएं हैं उनको अपन प्रकट कर सकते हैं या फीचर्स जो है उनको देख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो अर्थव्यवस्था थी जो उसका रीढ़ का आधार क्या था, व्यापार व व्यवसाय, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट अपन यहाँ पे मेंशन करेंगे व्यापार वाणिज्य, ठीक है। व्यापार वाणिज्य को भी आपने क्या कर दिया, देशीय व्यापार और या अंतर्देशीय लिख सकते हैं इसको और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। ये दो तरीके से आपने इसको बता दिया, यहाँ एग्जांपल आप लिखते हो गए अफगानिस्तान से लाजवर्द मंगवाते थे, ठीक है, लाफिज लजूरी, यहाँ से ये मंगवाते थे तांबा, यहाँ से मंगवाते थे, आपने लिख दिया। जो अंतर्देशीय आएगा अंतर्देशीय उदाहरण लिख देंगे, अंतर्राष्ट्रीय आएगा अंतर्राष्ट्रीय लिख देंगे, क्लियर। दूसरा कृषि, तो आप यहाँ पे करेंगे कि सिंधव काल के अंदर कृषि जो है वो उन्नत स्तर में पहुँच चुकी थी, आधुनिक कृषि का प्रारूप हो चुका था, खेत में हकाई जुताई की जाती थी, जुताई की जाती थी, साथ ही कपास की खेती जो है इंदर सिंधुवासी जो हैं उनकी देन मानी जाती है,
तो यहाँ पे क्या हो गया कि कपास वाला पॉइंट आपने लिख के अपने टॉपिक को थोड़ा सा और पावरफुल कर दिया। फिर आपने लिखा पशुपालन, यहाँ पे आप लिखेंगे हालांकि बैल इनका सबसे पवित्र पशु था, लेकिन फिर भी पशुओं पर इनका जो निर्भरता है वो कमी झलकती है, ऐसे प्रमाण नहीं मिले कि पशु इनकी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा थे। बहुसंख्यक पशु जो हैं वो पालतू के रूप में यहाँ नहीं पाए गए, जैसे हाथी घोड़ा ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया मुद्रा, यहाँ की मुद्रा क्या होती थी, तो टेराकोटा से निर्मित मुद्राएँ होती थी, सेल खड़ी से निर्मित, ठीक है, और मुद्राओं में व्यापार करते थे, वस्तु विनिमय भी मौजूद था। मुद्रा के बाद क्या हो गया बेटा परिवहन, तो शायद बैलगाड़ी के साथ साथ ये लोग जो है जो जलीय मार्ग उनका अधिक उपयोग किया करते थे, ये प्रमाणित होता है यहाँ से मिले बंदरगाह। तो जो भी एक पाकिस्तान लोथल जो आपको उदाहरण में लिखना आपने उदाहरण में लिख दिया। इसके अलावा और क्या मुद्दा आ सकता है, बहुत बढ़िया, शिल्प कार्य एवं अन्य सेवा, जैसे सुनार लोहार गुड़ाई, तो लोहार का कार्य तो उस समय हुआ ही नहीं था, लोहे का आविष्कार हुआ नहीं था, लेकिन इसको अपन शिल्प कार्य के साथ क्या लिख देंगे, धातु कर्म, शिल्प कार्य व धातु कर्म। यह आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब मान लो ये तो आईबीसी के बारे में आपको पूछा गया, आईबीसी नहीं और आपको जैसे मान लो वैदिक काल का पूछा जाए, आपको पूछ लिया गया सल्तनत काल के अंदर आर्थिक जो स्वरूप था उस पर टिप्पणी लिखिए, तो वहां पे अपन क्या करेंगे, सत्ता का सर्वोच्च स्तर इस्लामिक सत्ताओं से आरूढ़ था, इस संदर्भ में यहाँ की अर्थव्यवस्था का केंद्रीय संचालन राजा के द्वारा ही किया जाता था जो इस रूप में प्रकट होती है, नहीं समझे आप, या ज्ञात स्रोतों के आधार पर मध्यकालीन साहित्य, ठीक है, अभिलेख, इनके आधार पर यहाँ की अर्थव्यवस्था के प्रमुख बिंदु निम्न है। अब सबसे पहले उसमें ये आ जाएगा कृषि, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी ही, ठीक है, इस समय जो ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसका लगभग 20% भाग भारत में मौजूद था। फिर उसके बाद क्या आ गया, मुद्रा आ गया, वस्तु विनिमय भी था लेकिन मुद्रा भी था, बाजार व्यवस्था, व्यापार विपणन, पशुपालन, बस बाकी भी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। मुद्रा में एक दो नाम आ गए कि हाँ जीतल पीतल चलते थे, तो इसने चलाए थे, वो उसने चलाया था, ये उसने चलाया था, ये उसने चलाया था, समझ गया बात को बेटा। तो ये एक तरीका हो गया आपको सीखने का। नेक्स्ट बढ़े इससे आगे, जैसे क्वेश्चन आ गया आईबीसी कालीन धार्मिक स्वरूप, तो सैंधव कालीन लिखित प्रमाण अपठनीय होने के उपरांत में यहाँ के भौतिक साक्ष्य, यहाँ की धार्मिक व्यवस्था के बारे में अपनी कहानी पूरी तरह से बयां करते हैं, जो इस प्रकार है। ये बढ़िया बात हो गई। पहला मात्र शक्ति उपासक, लगभग सभी सैंधव स्रोतों से मण मूर्तियाँ मिली है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये मात्र शक्ति में विश्वास करते थे, ठीक है। फिर क्या हो गया, एक श्रृंगी बेल की पूजा, फिर प्रकृति उपासक, समझा, या पशुपति शिव के रूप में पूजा आराधना, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन कर दी, इनका धार्मिक स्वरूप नजर आ गया विशेष प्रकार, जब तक पढ़ नहीं सकते बता नहीं सकते। अब दूसरी जगह का अगर धार्मिक स्वरूप आ गया तो जैसा पूछा जाएगा उस स्ट्रक्चर में लिखेंगे उसको, आया समझ में। या जैसे यहाँ पे सैंधवकालीन आपका आ गया नगर नियोजन, अब नगर नियोजन में क्या है, विश्व की एकमात्र सभ्यता का स्थापत्य वास्तु एवं नगर जो 5000 वर्ष बाद भी लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पे मजबूर कर देते, विवश कर देते, इतिहासकार कोटेशन। अब आपने आगे लिखा सैंधव नगर नियोजन के बारे में इतिहासकार की ये टिप्पणी सर्वदा उचित प्रतीत होती है, इस संदर्भ में इनका नगर नियोजन इस प्रकार से था। पहला नगर सुरक्षा घेरा, कि नगर लगभग सुरक्षित दीवारों से प्राचीरों से घिरे होते थे, नदियों के किनारे मिले अधिकतर नगर, जैसे इस रावी नदी के किनारे ये मिला है, सिंधु नदी के किनारे ये मिला है। फिर नगर जो हैं वो अलग अलग टीलों में विभाजित थे जो समाज के अलग अलग वर्गों के बारे में अपनी कहानी को बयां करते हैं, ठीक है। फिर सामूहिक सभा, सामूहिक क्या बोलते हैं उसको, कक्ष या सामूहिक भवन, जिसमें क्या हो गया सभागार,
स्नानागार, ठीक है, अन्नागार, ठीक है, फूड को रखने के लिए, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपने वहाँ पे मेंशन कर दी। फिर आपने बता दिया कि सड़कों की ग्रिड व्यवस्था, जल निकास प्रणाली, प्रत्येक घर में शौचालय और जो नहाने के स्थान है स्नानागार वो होना, द्विमंजिला मकान, नगर प्रवेश का एक मार्ग, स्ट्रीट लाइट जैसी व्यवस्था, भाई चिमनियाँ जलाते थे ना खंभे लटका के वो लोग, तो यहाँ से क्या हो गया, नगर नियोजन के पॉइंट्स आपने लेके उसको एक्सप्लेन कर दिया। समझ के भावनाओं को बेटा, तो ये जैसे इंडस वैली के बारे में हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ा, समझ में आया, इसमें कोई डाउट आप लोगों को? अब देखो, जैसे ये एक डेमो जैसी क्लास थी अपन लोगों की स्टार्ट करने में, और ये पूरी जो सीरीज़ है आप लोगों के साथ तो चलेगी चलेगी लगभग एक घंटे डेढ़ घंटे। इसमें आपको बस इतना सा करना है कि यहाँ से जैसे रहा, जैसे बोर्ड रहा, तो आपको व्हाट्सएप पे मोबाइल पे फ़ोटो खींच लेने। कैसे बेटा? हाँ ये भी कर लेंगे, सेव भी कर सकते हैं अपन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पूछ लेंगे। बाकी क्या है कि मेरे हिसाब से ये है कि इस पर अपन एक बार और मंथन करेंगे। बाकी ये सीरीज़ लगातार जारी रहेगी। अगर यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारी सिलेबस डिकोडिंग क्लास को छोड़े नहीं, आप निश्चित रूप से जुड़े रहें हम लोगों के साथ, धन्यवाद। और इससे संबंधित पूरा पर्टिकुलर जो कोर्स है वो GLCIS MPPSC एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहाँ से आप इस कोर्स को ले सकते हैं।